तो गाइस हम भी अब लोग जा रहे हैं बाइक लेके आर्टिफिशियल माउंटेन पे, वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं। आप लोग को फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करो मुझे। और ये यहाँ से एंट्रेंस है, जस्ट ये पूरा माउंटेन आर्टिफिशियल है। गाइस तो हमने बहुत से फ़ोटोज़ क्लिक करे हैं, मनन ने मेरी बहुत सी हेल्प करी है फ़ोटोज़ क्लिक करने में। जस्ट सी द व्यू गाइस, जस्ट सी, वाओ, इट्स लुक फैबुलस। सी, कल का मेरा इन्फिनिटी पूल वाला वीडियो कैसा लगा वो अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लो, एपिसोड D3, आज का D4 है। कल परसों तक आई गेस मैं घर चले जाऊँगा। एक्चुअली यहाँ पे अब थोड़ा सा बोर जैसा हो रहा है। जस्ट सी गाइस, जस्ट सी, आप लोग को मैंने यहाँ पे ही फर्स्ट डे मैंने आपको यहाँ पे सनराइज़ दिखाया था। अगर आपको आप लोग ने अगर वीडियो देखा हो तो, नहीं देखा हो तो प्लीज़ आई बटन में आ रहा होगा, इधर जाके देख लो। ओके, तो और व्यूज़ देखने ही आके और कुछ अच्छे व्यूज़ लाएंगे, देखते हैं कोई सुपर बाइक लेके आते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। देखते कब आते हैं, कब जाते हैं, नेक्स्ट टाइम कब आने घर से परमिशन मिलता है। थैंक्स टू माय पेरेंट्स के मुझे यहाँ पे आने की परमिशन तो दी एटलीस्ट। जस्ट सी, वो आश्रम है, ये व्यू आई गेस मैंने आपको दिखाया है नीचे का खाई वाला, और ये हमारा सनराइज़ वाला पॉइंट, और वो हमारा बीच सनसेट वाला। और मनन, थैंक यू मनन फॉर फोटोज़ क्लिकिंग के लिए। सो गाइस चलो अब दूसरा कुछ व्यू दिखाते हैं। और ये R15 में यहाँ पे बहुत सारा ऑफ रोडिंग हो गया है, R15 में ऑफ रोडिंग बहुत सा हो गया है। जस्ट लुक माई बाइक, जस्ट लुक इट। गाइस व्यू कैसा लगा प्लीज़, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और ऐसी ऐसी जगह मैं और एक्सप्लोर करूँ ऐसा आपको लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और सब्सक्राइब नहीं किया तो स्पेशली सब्सक्राइब करो, क्योंकि और एक पार्ट आने वाला है इस वीडियो के रिलेटेड, मीन्स यहाँ पे जो मैं आया हूँ वहाँ पे। तो ये सारे जो नीचे पत्थर लगे हुए हैं ना, ये सारे इन लोग ने ही रखे हुए बना है, गाड़ियाँ ऊपर आ जाती है ऐसे। और अब
अपनी गाड़ी ऑटोमेटिक नीचे जा रही है ऐसे गाड़ी ऑटोमेटिक जा रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। टपक तो हम लोग अभी एक और जगह पे जा रहे हैं जंगल के बीच में, पता नहीं यहाँ पे क्या है। नहीं पर फिर भी हम जा सकते शायद, संभाल के बैठना। ये निकल रहे हैं हम यहाँ से। ओ तो गाइस देखो हम लोग अभी कहाँ आ गए, एक खाई के अंदर हम लोग पहुँचे। यहाँ पे कुछ चढ़ने का रास्ता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक अच्छे हो सकते हैं, क्या बोलता है मनन, फ़ोटोज़ क्लिक कर लें यहाँ पे? चलो ठीक है फोटोज क्लिक कर लेते हैं। इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करो जल्दी जल्दी से। सो गाइस मैं अभी यहाँ पर आया हूँ बाइक लेकर अंदर, पता नहीं जंगल में कहाँ पर है। हाँ अंदर मनन बोल रहा है एक रास्ता है, चलो देखते हैं कहाँ पे कुछ अच्छी सी चीज़ मिल जाए। तो हमने यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक करा है, बहुत ही अच्छी जगह है, जस्ट सी दिस, वाओ इट्स कूल। तो फोटोस देखो इसके। एक्चुअली मैं भी इधर बहुत साल से आ रहा हूँ पर ये रास्ते के बारे में मुझे आज पता चला, और इसलिए मैं अभी देखने गया। भैया ने मुझे बोला कि उधर जाके देख के आओ, इसलिए अभी मैं जाके देख के आया। तो वो एक अलग ही रास्ता है, तो चलते हैं आपको दिखा देते हैं क्या है वहाँ पे। सो लेट्स गो। देखते हैं यहाँ कुछ। ओ वाओ, अरे बाप रे, आउच आउच, कहाँ आ गए हम लोग। अरे आई मनन भी केयरफुल। अरे 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 अरे, 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 अरे। बहुत ही खराब रास्ता है। आउच आई। एक्चुअली ये जो सब रास्ते हैं वो सब ये गांव और मतलब यहाँ के सब लोगों ने मिलके बनाए, कोई ऐसे बाहर से आया नहीं बनाने के लिए। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आए घूमते घूमते, तो हम लोग ने यहाँ पे भी एक और रास्ता जा रहा है, यहाँ पे भी एक और रास्ता जा रहा है, कहाँ पर जाए मैंने पूरा। हम लोग खाई में है तो मनन कहाँ पर आई थिंक सो हमें ये डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्यों क्यों यहाँ पे क्या पे ऊपर ही ऊपर देखो एक घर दिख रहा है मुझे। तो मुझे बहुत सारे पेड़ दिख रहे, हमें नहीं लगता हम वहाँ से जा पाएंगे, तो हमारे लिए ये रास्ता सही रहेगा। चलो तो ये रास्ता ये तो हमारा ऊपर जो घर दिख रहा है। ओके अच्छा ठीक है, वो ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर यहाँ से मैं स्टेयर्स भी है आई गेस, यहाँ पे कोई पहले रहता था ना, पहले कुछ महल जैसा कुछ था यहाँ। हाँ नहीं तो ऐसे नेचुरली कभी फॉर्म हो ही नहीं सकता। और ये कुछ मंदिर जैसा है वगैरह आपको कुछ दिख रहा हो अगर आपको जाना हो तो हम जा भी सकते हैं उधर, बट नहीं अभी नहीं जाना है गाइस, वहां पे अच्छा नहीं रहेगा। हाँ क्योंकि वो बहुत सालों से बंद है और कुछ भी हो सकता है अंदर, सांप हो सकता है या कुछ भी। लाइक यहाँ पे लायन भी आ रहा ना, यहाँ तो यहाँ पे लायन भी आ रहा कुछ महीनों पहले तो यहाँ पे सब लोगों ने बताया। तो चलो अब वो रास्ते से जाते देखते हैं हम लोग कहाँ निकल रहे हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे घूम रहे हैं गोल गोल और हम मैंने रास्ते ढूंढ रहे हैं कहाँ से कौन सी चीज है। ओ एक नया आर्ट मिला यहाँ पे देखो, ये किसी का आइडल बनाया हुआ है, हमें नाम तो नहीं पता पर दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा है। बहुत सुंदर है और ये पूरा आर्टिफिशियल है, पूरा हाथ से बना हुआ है यहाँ के लोगों ने। यहाँ से हम लोग घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए। वाह मनन अच्छा है प्लेस, बहुत अच्छा है मनन, थैंक यू मनन। चलो नीचे चलते हैं आई गेस, अब यहाँ पे ज़्यादा ऊपर पता नहीं क्या है, ज़्यादा घूमने ऐसा नहीं लग रहा मुझे क्योंकि अब थोड़ा सा बहुत सा जंगल जंगल सा आ गया है। गाइस मंकी मंकी, हम लोग प्रॉपर रोड पे आए पर हम लोग को चैन नहीं मिलेगा, आप लोग के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं इसके अंदर। नहीं नहीं ये जाना जाने के लिए, ये रास्ता जाने के लिए नहीं है। अरे चलते हैं ना देखते हैं, इन लोग के लिए सब कुछ चलेगा भाई। एक्चुअली ये जगह पे आना किसी को भी अलाउ नहीं है पर हम लोग यहाँ पे एक्चुअली है ना आप लोग के लिए जा रहे हैं। अच्छा ये दलदल है यहाँ पे। ओके गाइस ये देख सकते हो ये दलदल है, यहाँ पे एक आदमी मर भी गया था डूब
के तिछली जगह को बंद कर दिया गया है। उतर उतर ऐसा मत बोल। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं नीचे कहीं पर, तो आपको व्यूज दिखाने हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमको यहाँ पे पता चला, मनन ने मुझे अभी बोला है कि ये एक दलदल है, ये पूरा एक दलदल है जहाँ पर एक इंसान मर गया था, लाइक डूब के मर गया था, उसको दलदल ने पूरा खींच लिया था। और अगर आप लोग को एक आर्ट दिख रहा हो तो जस्ट सी दे, ये वही है जहाँ पे सब गोपियाँ नहाती थी और कृष्णा जी उनके कपड़े लेके, मींस उसी एक प्लेस बना, मींस उसका एक आर्ट बना है यहाँ पे। देखो आप लोग को दिख रहा हो तो वो है कृष्णा जी और ये पूरा दलदल है जहाँ पर एक इंसान मर गया था। तो बस चलो अब हम जाते हैं, अभी कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम वहीं जाएंगे, बिकॉज ये जगह थोड़ा रिस्की था पर मैंने सोचा देखते हैं, अगर रिस्की लगेगा तो रिटर्न आ जाएंगे। पर क्या है गाइस, आप लोग के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है ना, नहीं करोगे तो फिर आप बोलोगे कुछ दिखाया नहीं ऐसा वैसा वगैरह। सो चलो अब चलते हैं मेरी बीच के साथ, लेट्स गो। तो गाइस राइट नाउ आई एम इन द होटल, आई मीन फन होटल। तो अभी मुझे कुछ डेजर्ट वेजर्ट खाना था और वो सीन के बाद मेरा फ़ोन का बैटरी लो हो गया, फ़ोन आई मीन कैमरा का बैटरी लो हो गया और फ़ोन का बैटरी लो हो गया, सब बैटरी लो हो गया, तो मैं कुछ उसके बाद कहीं पे जा नहीं पाया। तो अभी सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ पूल पे आया हूँ फिर से, यहाँ पे थोड़ी देर बाद एंजॉय करने के बाद फिर जाता हूँ, आप लोग को कुछ दिखाऊँगा, कुछ अच्छा कुछ दिख गया तो आपको दिखाऊँगा डैम श्योर। तो देखते, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, माधवपुर क्या जगह है कैसा है सबको बताओ शेयर करके, और कमेंट करो आप लोग को कैसा लग रहा है। और अभी तो कुछ नहीं, लाइक मूड थोड़ा ही लाइक टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो डेजर्ट मंगाया, मीन अमेरिकन नट्स मंगाया, वो थोड़ा बहुत खा पी के जाते फिर पूल पे। तो जो ये फन होटल है वो एकदम बीच के पास ही है। थैंक यू। तो अमेरिकन नट्स आ गया है। As I told you guys कि फन होटल जो है ये रही फन होटल, वो रही हमारी बाइक। तो गाइस बस अभी मैं निकल रहा हूँ पूल के लिए, था क्या लाइक पूल में मैं जाने वाला था। नीचे है हमारा बीच, आई मीन नीचे है हमारा पूल और वो रहा बीच। तो अभी मैं बस बैठा हूँ। सो गाइस क्या करें, अभी क्या करें, बोर हो रहा हूँ आधे घंटे से ऐसे ही बैठा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा चले क्या पूल में, मेरी तो इच्छा नहीं है, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप लोग क्या बोलते हो, मैं जाऊँ नहीं, इच्छा नहीं है तो फिर क्यों जाऊँ, इच्छा हो तो जाऊँ ना, जैसे जैसी जिसकी इच्छा वो, जैसी जिसकी सोच, जैसे तारक मेहता में होता है वैसे ही जैसी जिसकी इच्छा। देखो और या बीच जस्ट सी।